टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के बारे में हम क्या करेंगे आज बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है वो पूरा डिटेल में एक मतलब थोड़ा अलग अलग बुक निकाल के, प्रैक्टिकल के नोटबुक निकाल के मैं आपको क्या टोटल समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें हाउ आर गोइंग टू राइट डाउन द प्रैक्टिकल एंड व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू राइट डाउन इन प्रैक्टिकल। ओके, फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल में कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टू लास्ट आप क्या करो, वीडियो को कंटिन्यू करो, देखो और उस तरीके से आप प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें अगर कोई आपको PDF फाइल वगैरह चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे पर्सनली कॉन्टैक्ट करो, तो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल डिटेल। ओके, डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल का जैसे आपको नोटबुक दिख रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिकल फाइल होता है ना, जो ऐसा फाइल होता है आपको, उसमें आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल फाइल को हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल प्रैक्टिकल के बारे में जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो फर्स्ट टू लास्ट देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल में कितना मार्क है, 30 मार्क है एज यू नो, ठीक है। जो 2020-21 में थोड़ा सा डिडक्शन कर दिया था, बट इस साल नहीं किया है कोई भी डिडक्शन, 21-22 के बारे में बात कर, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है, जो ये हमारे सारे रिकॉर्ड फाइल इंक्लूड होगा उसमें से ये प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, रिकॉर्ड फाइल में। तो हम बुक को हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल फाइल है, तो इंडेक्स कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट ऐसे एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, इसमें आपको टोटल लिखना है, ठीक है। तो मेरा पुराना एक कॉलेज का ही प्रैक्टिकल मिला आज मैंने, तो वो निकाला, मैंने सोचा इसमें से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपको क्या लिखना होता है, इंस्टीट्यूट का नेम, कौन सी स्कूल से आप मतलब अपीयर कर रहे हो, ठीक है, आपका नाम, रोल नंबर, ठीक है, क्लास 12 इधर लिखना है आपको, इधर BPED लिखा हुआ है, बट यू हैव टू राइट डाउन क्लास 12। सिर्फ डेमो के लिए मैंने ये दिखाया आपको, ठीक है। ईयर लिखना है आपको, ये 12-13 का है आपको लिखना है, 21-22, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल में क्या है, एथलेटिक है, तो आपको इधर क्या लिखना है, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वो लिखना है आपको इधर, ठीक है। और इधर टीचर्स का साइन होगा और एग्जामिनर का साइन इस साइड में होगा, प्रिंसिपल का स्टंप इधर होता है, तो ठीक है। सर्टिफिकेट आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द इंडेक्स। इंडेक्स कैसे लिखते हैं, देखिए हमारा बहुत सारे टॉपिक हैं, तो BPED में ऐसे इंडेक्स लिखा जाता है, तो फिजिकल एजुकेशन का कोई प्रैक्टिकल बुक लिखते हैं तो ऐसे इंडेक्स लिखा जाता है, ठीक है। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। पेज मेंशन करना है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट मेंशन करना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट सबका अलग अलग होता है, कभी कभार सेम भी डाल देते हैं, ठीक है। ओके, डेट ऑफ सबमिशन, रिमार्क, रिमार्क जो होता है टीचर्स भरते हैं आपका, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को आपको पेज नंबर के साथ मेंशन करना है, ठीक है, सारे एक साथ नहीं करना, जैसे एक एक पॉइंट छोड़ के भी आप लिख सकते हो, थोड़ा सा जगह गैप छोड़ के भी आप लिख सकते हो। तो पहले आपका क्या आता है, इंट्रोडक्शन, इधर गेम के बारे में लिखा हुआ है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ गेम, आपको क्या लिखना है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अपर टेस्ट, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसको क्या लिखना है आपको, अपर टेस्ट के बारे में लिखना है, ठीक है। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, फिर से मैं बुक लाता हूँ, ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है इसके अंदर क्या आता है, अपर टेस्ट, ठीक है। मैं इधर फोटो लगा दूंगा साइड में तो आपको समझ में आ जाएगा। अपर टेस्ट में 6 टेस्ट होता है, उसके बारे में आपको लिखना है, हिस्ट्री ऑफ अपर टेस्ट, ओके। एंड देन पुल अप, पुश अप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल रन, ओके, ये सारे क्या होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होता है, 50-yard dash, तो सारे क्या होता है, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, प्रोफिशिएंसी इन गेम एंड स्पोर्ट्स, उसको भी आपको लिखना है। देखो आप ऊपर क्या करोगे, कलरफुल से लिख सकते हो वैसे, ठीक है, कलरफुल पेन आप मतलब स्केच पेन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्टली क्या करना है आपको, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगर प्रैक्टिकल की चीज़ अगर इस साइड में लिख रहे हो तो फोटो, प्रैक्टिकल के चीज़ें अगर इस साइड में लिख रहे हो, ठीक है, तो फोटो इस साइड में चिपकाना है, लेफ्ट साइड वाले सेक्शन में आपको फ़ोटो लगाना है, ठीक है। अगर ऐसे नोटबुक में पकड़ रहा हो, इस साइड में आप क्या कर रहे हो, अगर डिटेल्स लिख रहे हो तो उसी चीज़ के बारे में इस साइड में आप फोटो लगा सकते हो, ठीक है। एज ए एग्जांपल योगा के बारे में लिखा आपने, वज्रासन के बारे में, प्रोसीड्यूर, बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन आपने योगा का लिखा, किसका, वज्रासन, तो वज्रासन का पोस्टर और पिक्चर इधर लगा दो, ठीक है, इस साइड में लगा देना है, ना कि इधर ही कहीं पे कोने पे अगर जगह दिखे उधर लगा देना है, तो आपका मार्क कट हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, ये देखो इधर बहुत अच्छे से बनाया है आपको, 400 मीटर का ट्रैक का डायग्राम दिख रहा होगा इधर, और इधर क्या किया है आपने, जो उसका मेजरमेंट है टोटल डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। तो आपको पता चल गया कैसे लिखते हैं ये। नेक्स्ट,
देखो आप टोटल मेजरमेंट, अगर इस साइड में अगर कोई फोटो नहीं आता है तो नहीं लगाना है, ब्लैंक छोड़ देना है, लेकिन उधर लिखना नहीं, राइटिंग राइटिंग नहीं करना है कुछ भी, राइटिंग छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको देखो इधर क्या लिखा है उन्होंने, थ्रोइंग लिखा है। थ्रोइंग इवेंट में क्या आ रहा है हमारा, ये आई थिंक शॉर्ट पुट का है। ठीक है, शॉर्ट पुट का क्या किया उन्होंने, डायग्राम बनाया है कि शॉर्ट पुट का जो घर होता है कैसा होता है, उसका डिटेल इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपको लिखना है। इधर तो एथलेटिक का है तो डिटेल शॉर्ट पुट, जैवलिन ये सारे दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर क्रिकेट लेना है तो क्रिकेट के बारे में लिखना होगा, क्रिकेट का पिच इधर ड्रॉ करना होगा, ग्राउंड बनाना होगा, मेजरमेंट देना होगा, बॉल का वेट, स्टैम्प के बारे में डिटेल लिखना होगा, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ओके, नाउ आई थिंक सबको क्लियर हो गया प्रैक्टिकल लिखना कैसे, तो प्रैक्टिकल का डिटेल मैं दे दूंगा एक एक करके। ठीक है, PDF फाइल में पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में दे दूंगा, आपके गेम के ऊपर दे दूंगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, उसके बाद आपका योगा का जो भी डिटेल है उसका, तीन तीन डिजीज और उनके क्या है आपका, हाउ यू कैन क्योर दैट डिजीज, वो प्रैक्टिकल में आएगा, तो वो भी दे दूंगा PDF फाइल में, तो आप लिख लेना उधर से। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होता है कि मिला नहीं तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू भी क्या कर दूंगा, PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिकल का। ठीक है, और द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल में हमारा क्या है, 30 मार्क का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है टोटल, तो उसमें क्या आता है हमारा, फर्स्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, अपर टेस्ट होता है हमारा। अपर टेस्ट में 6 टेस्ट आता है हमारा। ओके, जैसे पुलअप हो, पुशअप हो, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 4x10 मीटर रिले होता है आपका, उसके बाद होता है मॉडिफाइड पुशअप होता है, पार्शियल कर्लअप होता है, तो ये सारे क्या होता है ऐड होता है, 50-yard dash भी होता है उसमें। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का एक एक आधा में थोड़ा मॉडिफाइड पुशअप वगैरह है एक आधे में। ओके, पुलअप और पुशअप में थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो आपके इधर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 6 मार्क और प्रोफिशिएंसी में 7 मार्क। योगिक प्रैक्टिस में भी आपका 7 मार्क होता है। रिकॉर्ड फाइल मेंटेन करना होता है 5 मार्क के लिए। ठीक है, वाइवा होता है आपका 5 मार्क। तो इसमें टोटल कितना होता है, 6, 7, 7, 5, 5, टोटल 30 मार्क प्रैक्टिकल। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोफिशिएंसी इन गेम है ना, तो उस गेम के बारे में आपको लिखना है, तो उसमें क्या क्या लिखना होता है, बास्केटबॉल दिया गया है, जो हमारे बुक में है वही लिखना है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ओके, बॉस। तो ये सारे क्या है हमारे गेम के लिए चुन सकते हो आप, जो नंबर 2 दिख रहा है आपको, प्रोफिशिएंसी इन गेम एंड स्पोर्ट्स, तो इसमें से कोई भी गेम आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द रिकॉर्ड फाइल, रिकॉर्ड फाइल दिख रहा है आपको इधर, रिकॉर्ड फाइल आपको कैसे मेंटेन करना है। ओके, पहले क्या लिखना है आपको, फिटनेस टेस्ट, ओके, एन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स। ओके, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंने बोला था जो पहला नंबर पॉइंट है हमारा, तो वो इधर लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, अपर टेस्ट में बताया मैंने जो 6 टेस्ट इंक्लूड करने हैं आपको। ठीक है, 50-yard dash, पुलअप, पुशअप, स्टैंडिंग ब्रॉड जम्प, पार्शियल कर्लअप, उसके बाद है आपका 600 मीटर रन और वॉक, तो ये 6-7 है, तो उसमें से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोसीड्यूर फॉर आसना बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन फॉर एनी 2 आसना, ओके, फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज। जो लाइफ स्टाइल डिजीज आपका योगा का जो लेसन है आपका चैप्टर नंबर 3 आई थिंक, हाँ, उसमें से जो आपका क्या है आसना दिया गया है ना, उसके बारे में आपको लिखना है प्रोसीड्यूर। ठीक है, उसका क्या बेनिफिट है और उसका क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, मैं आपको बुक में से ही दिखा दूंगा, ढूंढ ढूंढ के आप लिख सकते हो प्रैक्टिकल। ठीक है, जो अपर टेस्ट है कौन सी पेज नंबर कहाँ पे है मैं आपको बता दूंगा इधर ही, तो आप ढूंढ ढूंढ को उधर से ही लिख सकते हो। ठीक है, तो थर्ड प्रैक्टिकल क्या है हमारा, प्रोसीड्यूर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 elderly family member। जो आपके फैमिली मेम्बर है 5 जन का क्या करना है, तो ये टेस्ट लेना है, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ओके, तो ये भी दिखा दूंगा कहाँ पे है, कितने पेज नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रैक्टिकल 4, एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस, ओके, आउट ऑफ दिस लिस्ट एवब। ओके, तो जो मैंने बताया था अभी, जो ये जितने भी गेम दिया गया, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, तो इनमें से आपको क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आपकी प्रैक्टिकल में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 4 चीज़ इंक्लूड होगा, तो इसके ऊपर बेस करके आपको क्या किया जाएगा, वाइवा का क्वेश्चन किया जाएगा।
कभी कभार वाइवा के जो क्वेश्चन होते हैं वो बुक के दो चार चीज़ों पे जैसे पूछ लेते हैं, ठीक है, फिक्चर के ऊपर, आपके पोस्टल डिफॉर्मेटिस के ऊपर। मैंने कई बार वाइवा मतलब अटेंड किया है, मतलब 4-5 बार हो गए अभी तक तो मैंने अटेंड किया हुआ वाइवा। तो कैसे कैसे मतलब एक्सटर्नल कैसे क्वेश्चन आपको कर सकता है, मैं अगर एक्सटर्नल बना तो हाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, तो पता है हमको। तो एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक के अंदर के भी क्वेश्चंस कभी कभार आपको कर लेंगे। जैसे फिक्चर के ऊपर तो आपको एक आधा क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, आपको पोस्टल डिफॉर्मेटिस के ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं तो आपके टॉपिक के सिलेबस के बारे में कभी कभार पूछ लेते हैं कितना पता है आपको, क्योंकि एज यू नो बच्चे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है इस सब्जेक्ट पर, ज़्यादा पढ़ते नहीं है, स्कोर हो जाता है कभी कभार स्कोर कम भी हो जाता है ड्यू टू द प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपको ध्यान तो देना है हर चीज़ पर। तो ये देखते हैं हमारा फर्स्ट कहाँ पर लिखना है, पहला देखते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ओके, तो फिजिकल फिटनेस पे रिकॉर्ड फाइल में आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये कौन से पेज नंबर पे है हमारा बुक में, हम देखते हैं, ये हमारा ये पेज नंबर 144, ठीक है। तो इधर हमारा क्या है, मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस। ओके, और जो ये सारे टेस्ट दिए गए हैं ना, जैसे 50 मीटर डैश, ओके, उसके बाद 600 मीटर रन वॉक सीट एंड रिच, ओके, पार्शियल कलअप, पुशअप, मॉडिफाइड पुशअप, ओके, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तो इसमें से आप कोई भी 6 लिख सकते हो। ओके, आप इसमें पार्शियल कलअप को हटा के बाकी सारे आप लिख दो तो हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ही लिख दो आप तो हो जाएगा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, 50 मीटर डैश, ओके, 50 मीटर डैश बोलते हैं इसको नॉर्मली, क्योंकि इसका पर्पज़ देखना है। तो पर्पज़ लिखोगे आप, कैसे लिखना है मैं बता दूंगा बाद में, जैसे इधर बुक में दिया हुआ वैसे लिख सकते हो। जैसे पर्पज उसको ग्रीन कलर में उसको क्या करना है, ऐसे हाईलाइट करने से, प्रैक्टिकल का नोटबुक इधर एक है मेरे पास, तो ऐसे हाईलाइट करना है, नीचे आपको उसका पर्पज़ लिखना है, ठीक है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है वो लिखना है आपको, ओके, मेजरिंग टेप और मार्क ट्रैक और टू स्टॉप वॉच, ये सारे लिखना है, और प्रोसीड्यूर, और उसका प्रोसीड्यूर लिखना है। तो 600 मीटर का भी लिखना है, सीट एंड रिच का भी वैसे सेम जो ये है, 600 मीटर रन एंड वॉक सीट एंड रिच, तो सारे आप 6 उठा के लिख दो इधर प्रैक्टिकल नोटबुक में। ये आपका है फर्स्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं, आपकी बुक में आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो पेज नंबर आपको याद रखना 144 में जाके 6 टेस्ट आपको लिखना है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीड्यूर फॉर आसना बेनिफिट कॉन्ट्राडिक्शन फॉर एनी टू आसना फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज। तो ये हमारा कहाँ पे आता है, यूनिट 3। सी इधर की लाइफ स्टाइल डिजीज दिए गए हैं हमारे, ठीक है। लाइफ स्टाइल डिजीज में हमारा क्या क्या आता है, इधर लाइफ स्टाइल डिजीज में देखोगे आप, ओबिसिटी आता है, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन। तो हमको कितना लिखना है, ठीक है, ओबिसिटी, ठीक है, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन। तो 5 हमारे क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज इधर दिए गए। तो हर 5 एक डिजीज के अंदर से 2-2 आसन उठाना है आपको, कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो उस लाइफ स्टाइल डिजीज को। एज एग्जांपल ओबेसिटी का ले लेते हैं, ठीक है। ओबेसिटी, व्हाट डू मीन बाय ओबेसिटी, थोड़ा सा लिख दो आप उधर, ठीक है। पेज नंबर कितना है हमारा, 73। व्हाट डू मीन बाय ओबेसिटी लिख दिया, उसके बाद आपको उसके अंदर के 2 आसन लिखना है। जैसे वज्रासन लिख दिया, उसका प्रोसीड्यूर, उसका बेनिफिट और उसका कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया उसका। नेक्स्ट आपका पादहस्तासना का आपने प्रोसीड्यूर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया। तो ऐसे हर एक जो आपका लाइफ स्टाइल डिजीज है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा लिखना है, और उसके अंदर के 2 आसना के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो 2 आसना का प्रोसीड्यूर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे इधर कौन सा आसना है, भुजंगा आसना एंड द पश्चिमोत्ता आसना, तो आपको ऐसे लिखना है। ये हमारा हो गया सेकेंड। थर्ड क्या है हमारा, हाँ, प्रोसीड्यूर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डरली फैमिली मेम्बर। जो 5 आपके एल्डर फैमिली मेम्बर है उसका क्या करना है, टेस्ट लेना है। तो कैसे, ये क्या होता है हमारा, रिकल एंड जॉनसन टेस्ट है एक्चुअली, ठीक है। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, इसको रिकल एंड जॉनसन टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या टेस्ट आता है, आपका पेज नंबर देख लो इधर 152 में है। तो आपके 5 फैमिली मेम्बर के टेस्ट लेके उसका रिजल्ट वगैरह निकाल के लिखना है इधर, ठीक है। फर्स्ट क्या हमारा, चेयर स्टैंड टेस्ट। ओके, चेयर स्टैंड टेस्ट में प्रोसीड्यूर, इक्विपमेंट और इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको लिखना है इधर, टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप भी आप लिख के रख सकते हो, बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इनके बारे में, तो करना ही है वो, जो आपका क्लास आएगा एक के बाद एक जब टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं इसका डिस्कशन पूरा कर दूंगा।
अगर एक एक टॉपिक का भी डिस्कस करने लगा तो 2 घंटे लग जाएंगे वीडियो बनाने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्म कर्ल टेस्ट। ठीक है, ये भी आपका पर्पस, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होगा, प्रोसीड्योर, ओके, और इसका रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो, ये डिटेल आपका इंडेक्स दिया हुआ है, प्रीफिक्स फॉर्मूला के अंदर आपका इंडेक्स भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है चेयर चीट एंड रिस्क टेस्ट, ओके, ये भी आपको करना है। सी नाउ डी, ओके, बैक स्ट्रेस टेस्ट एंड द 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ओके। तो ये सारे आपको क्या करना होगा, आपके टेस्ट में लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। नाउ कम टू द जो फोर्थ प्रैक्टिकल, वो देखते हैं हम। एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द लिस्ट अबव, ओके, जो ये वाला है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल की आपकी जो कॉपी होता है ना, उसके साथ आपको एक मतलब मैनुअल की तरह एक बुक मिलेगा, वो खरीदना पड़ेगा, उसके अंदर ही आपको ये सारे डिटेल मिल सकते हैं। ठीक है, ये बुक में नहीं है एक्चुअली हमारे, ठीक है, फिर भी मेरे पास एक बुक है, ठीक है, मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आप उसमें से लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होगा। ओके, जैसे ये फुटबॉल दिख रहा है आपका, फुटबॉल का आपके फुटबॉल के बारे में अगर आपको लिखना है तो इसमें क्या लिखना होगा आपको, हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। ठीक है, नाउ लेटेस्ट रूल ऑफ द गेम, वो लिखना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाई रूल्स, ओके, प्लेफील इक्विपमेंट, क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा, आपको डायग्राम भी अच्छे से सेम देख के बनाना होगा, ओके, उसके बाद आपको टिप और द रिमेंबर, ओके, ये सारे आपको लिखने होंगे, जो भी बुक भी दिया हुआ है डिटेलिंग में आपको लिखने होंगे, इस गेम के बारे में जितने भी डिटेलिंग दिया हुआ है वो लिखना होगा। ठीक है, नाउ इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट एंड द इवेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट और इवेंट होता है वो लिखना होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है वो नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है, बट इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट जो है वो आपको लिखना है। फंडामेंटल स्किल फॉर द फुटबॉल, जो फंडामेंटल स्किल है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल स्किल दिया हुआ है आपका, ओके। नाउ टर्मिनोलॉजी लिखना होगा आपको, टर्मिनोलॉजी भी इधर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा टर्मिनोलॉजी, अगर इसमें से आप लिख सकते हो वीडियो पॉज कर करके तो इट्स वेल एंड गुड, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा बुक, ठीक है, इट्स ऑन यू, बट इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन गो फॉर इट। इसलिए मैंने फुटबॉल का दिखा रहा हूँ, बाकी नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें लिखना होगा रूल एंड रेगुलेशन के साथ, ओके, स्पेसिफिक वार्मिंग अप एंड कंडीशनिंग, ओके, ये आपको मिल जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो ऐसे आपको